हेलो एवरीवन, आई एम रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। आज मैं आप लोगों के लिए हूँ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। प्लीज लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके लिए सबसे पहले हम भिंडी को आगे और पीछे से कट करके बीच में एक चीरा लगा लेंगे। इसी तरीके से हम सारी भिंडी में कट कर लेंगे। अब हम लेंगे प्याज और टमाटर जिसे हमने स्लाइस कर लिया है, बारीक कटा लहसुन, सूखे मसालों में हम लेंगे नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, हरा धनिया पाउडर और हल्दी। ये हमने लिया है मैगी मसाला। इन सभी मसालों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने मसालों के मिक्सचर को भिंडी में भरेंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, जिसमें हम स्टफ भिंडी ऐड करेंगे। अब हम इसे लीड लगाकर धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम एक अलग पैन में ऑयल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। प्याज और टमाटर के पकने के बाद हम ऐड करेंगे भिंडी, जिसे हमने पहले ही पका लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से और धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें भिंडी टूटनी नहीं चाहिए। अब हम इसे लिड लगाकर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। सब्जी के पकने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मैगी का मसाला। मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे लिड लगाकर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। लीजिए, हमारी भिंडी तो प्याजा तैयार है। इसे सर्व कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली डिलीशियस रेसिपीज के लिए।